Hello everyone, today we are going to discuss the topic quality factor of series resonant circuit. इससे पहले आपने पढ़ा था series RLC circuit और series resonance in series RLC circuit, जिसको हम आपने क्या बोला था आपने जिसको आपने बोला था voltage resonance. Okay, so what is quality factor, इसको हम कैसे निकालते हैं और क्या value आती है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम. देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है. क्वालिटी फैक्टर इज द वोल्टेज मैग्निफिकेशन दैट द सर्किट प्रोड्यूसेस एट रेजोनेंस. ओके, तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन किस में, इंडक्टर में या फिर कैपेसिटर में. ठीक, आप जानते हैं कि जब रेजोनेंस होता है, जिस टाइम का रेजोनेंस होता है, उस समय जो आपकी करंट होती है वो करंट होती है आपकी मैक्सिमम. ठीक, तो अगर हमें निकालना हो कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, तो अगर आप देखें वी आर से रिप्रेजेंट करें उसको एट रेजोनेंस, तो आई मैक्स इंटू आर हो जाएगा. और अगर हमें वी एल निकालना हो तो क्या होगा, आई मैक्स इंटू उसका एक्सएल इंटू एक्सएल रहेगा. या फिर वी सी अगर निकालना हो तो आई मैक्स इंटू एक्स सी हो जाएगा. ठीक है, सो क्वालिटी फैक्टर हमें बेसिकली बताता क्या है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. अगर हमें जानना चाहें तो आप देखिए कि अगर वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर को क्यू फैक्टर ही बोलते हैं, अगर वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर इज हाई, अगर वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर ज्यादा है, तो आपको ज्यादा मैग्निफिकेशन ऑफ वोल्टेज मिलेगा अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर. एंड अगर ऐसा है, वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर इज हाई, देन सेलेक्टिविटी फॉर ट्यूनिंग कॉइल, जो फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग है आपकी, उसी सेलेक्टिविटी वो भी क्या होती है, हाई होती है. तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर का क्या है, एक एडवांटेज है. और अगर आपको ये चीजें चाहिए तो उसके लिए आपको लिए आपको क्या चाहिए, आपको हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस चाहिए और लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, किसका, कॉइल. अगर ऐसा होता है तो आपको हाई वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर मिलता है, जिससे कि आपकी सेलेक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है. देखिए दो तरीके हैं क्यू फैक्टर को समझाने के. क्यू फैक्टर को आप बोल सकते हैं कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन है, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या होगी. देखिए क्यू फैक्टर होगा वोल्टेज मैग्निफिकेशन के बराबर, और वोल्टेज मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, वोल्टेज Across inductor और capacitor upon voltage drop across resistor. ड्रॉप लगा दीजिए. ठीक, ये कब हो रहा है याद रखेंगे आप हमेशा, एट रेजोनेंस. अगर हम एट रेजोनेंस की बात करें तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, आई मैक्स इंटू एक्सएल अपॉन आई मैक्स इंटू आर. मैंने क्या किया, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज और रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज मैंने यहां पे पुट किया एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस. जब रेजोनेंस है आपका, उस टाइम पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफआर कहते हैं, एफआर क्या है, हर्ट्ज है, या फिर ओमेगा आर कह सकते हैं, यहां पर दैट इज रेडियन पर सेकंड. ठीक है, ये तो क्लियर होगा, बताया गया है आपको इन द लास्ट लेक्चर. नाउ आई मैक्स कैंसिल कर दीजिए तो क्या आएगा यहां पर, एक्सएल अपॉन आर. अभी हम जिस समय ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. आप जानते हैं ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इसी फ्रीक्वेंसी पर क्या मिलता है आपको, रेजोनेंस का फेनोमेना मिलता है. तो क्या करते हैं, अगर हम एक्सएल की वैल्यू यहां पुट कर दें, ओके, यहां वैल्यू पुट कर दें तो क्या लिखेंगे हम, ओमेगा आर इंटू एल अपॉन आर. ओमेगा आर इज व्हाट, वन अपॉन रूट एल सी. या फिर अगर आप एफ आर में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं टू पाई एफ आर इंटू एल अपॉन आर. FR की वैल्यू आप जानते हैं कि FR की वैल्यू आपने निकाली थी तो क्या आई थी, FR की वैल्यू थी 1 upon 2 pi root of LC. ये आप देख चुके हैं.
ठीक, इसी वैल्यू को आप इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, इसको ही क्वेश्चन नंबर टू कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर टू, इक्वेशन नंबर इसको ले लेते हैं थ्री। सो पुटिंग द वैल्यू इन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ आर इन इक्वेशन थ्री, यू विल गेट क्यू फैक्टर, यानी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पाई इंटू एफ आर की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन टू पाई रूट ऑफ एल सी इंटू एल अपॉन आर। ओके, टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अगर आप देखें आ जाएगी ये टू पाई टू पाई कैंसिल हो गया, रूट एल से रूट एल कैंसिल हो गया, वैल्यू आ जाएगी आपकी वन अपॉन आर रूट एल बाई सी। यही क्या वैल्यू आती है आपकी, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आती है। अगर आपको वैल्यू, आपको वैल्यू पता है रेजिस्टेंस की, इंडक्टेंस इंडक्टर की और कैपेसिटर की, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं उस भी उस कॉइल का क्यू फैक्टर क्या होगा। ठीक, तो अगर ये डायरेक्ट हो गया है तो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, टू पाई से टू पाई कैंसिल हुआ, ठीक है, रूट एल से नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाता है आपका क्यू इक्वल टू एल अपॉन आर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, रूट एल सी को आप ले सकते हैं रूट एल रूट सी, तो यहां से देखिए एल अपॉन आर रूट एल रूट ऑफ सी, रूट एल से एक रूट एल काट देंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये वन अपॉन आर ऊपर आ जाएगा रूट एल और नीचे आ जाएगा रूट सी, जाएगा रूट ऑफ सी। ठीक, वही वैल्यू यहां मैंने पुट कर दी है। दूसरा जो मेथड है, जो दूसरा मेथड है कि कैसे आप क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, तो सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए आप ये भी सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ इज आल्सो अ क्वालिटी फैक्टर। देखिए ये कैसे आएगा, देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने आप जानते हैं 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन 2 पाई, डिनोमिनेटर में ये रूट ऑफ एलसी। ठीक है, और बैंडविड्थ जो आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा होगा, बैंडविड्थ की वैल्यू क्या आती है, आर अपॉन 2 पाई एल, देखा था आपने। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 पाई नीचे आ जाएगा, रूट एल सी नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहां से 2 पाई एल ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई एल अपॉन आर, 2 पाई एल बाई आर। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एल अपॉन आर रूट एल सी जो यहां आपको मिल रहा था, एल अपॉन आर रूट एल सी वही सेम चीज आपको यहां पे मिलती है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको फिर से क्या मिलेगा, 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी। यही क्या है आपका क्वालिटी फैक्टर। किसी भी मेथड से आप निकालें, ठीक है, किसी भी मेथड से आप निकालेंगे आपको वैल्यू मिलता क्या मिलेगी, क्यू इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट ऑफ एल सी एल बाई सी। सी हमने इसको निकाला है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में, आप चाहे तो कैपेसिटर में भी निकाल सकते हैं, हमने केवल यहां पर अभी इंडक्टर को यूज किया है। अगर आप कैपेसिटर से भी निकालते हैं तभी आपको वैल्यू यही मिलेगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। आगे कुछ क्वेश्चंस लेके कुछ डिस्कस करेंगे, उसमें क्वालिटी फैक्टर निकालना बताएंगे, बैंडविड्थ निकालना बताएंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे हम जो सर्किट की थी, आरएल सर्किट की, आरएलसी सर्किट की, उससे थोड़ा और क्लैरिटी आपको आएगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।